जब हम किसी के घर जाते हैं तब भी हम तैयार होकर जाते हैं, तो यहाँ पर तो बहुत सारी प्यारी प्यारी बहनें बैठी हुई हैं जो कि मुझे स्क्रीन पर देख रही हैं। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मैमुना मुस्लिमा। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग घर पर अपने लिए DIY लिप कलर और चिक स्टेंस तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार से पांच, बल्कि पांच पांच, हाँ बिल्कुल पांच पांच कलर के लिप स्टेंस और चिक स्टेंस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो कि आप लोग देखेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोर से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ हमारे साथ DIY लिप कलर और चिक स्टेंस शेयर कर दिए जाएँ, जो कि हम घर पर तैयार कर सकें बिना साइड इफ़ेक्ट के कभी भी। जब मैंने लिप कलर और चिक टिंट्स बनाना शुरू किया तो बस मेरा प्रोग्राम यही था कि आप लोगों के लिए कोई बेस्ट चीज़ ही लेकर आऊँ। फिर मैंने कुछ तजर्बात किए जो कि नाकाम रहे बदकिस्मती से, और अक्सर ऐसा होता रहता है हम लोगों के साथ, वो ऑनियर नहीं जाते लेकिन ये वाले ऑनियर जा रहे हैं। आप लोग देखिए कि किस तरह से ब्लंडर होते हैं। सो भाई क्या हुआ कि जैसे कि आजकल एक टिंट बहुत ही आम है, चुकंदर लें, उसे धोकर छील लें, फिर उसे काट लें, क्योंकि हम लोगों ने इसका जूस निकालना है। इसके लिए हम सबसे पहले इसको कद्दूकश करेंगे। आलू हो, खीरा हो, गाजर हो, इन तमाम चीज़ों को जब इनका रस निकालना होता है तो ओबियसली कद्दूकश किया जाता है। सो इसको कद्दूकश करेंगे और इसका रस निकालेंगे एक बर्तन के अंदर। अब बात यह है कि ये वाली रेमेडी मैं आप लोगों को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रही, सिर्फ बता रही हूँ कि ये इस तरह से मैंने तैयार की थी और ये रेमेडी बिल्कुल फारिग है। फिर इसके अंदर जेलेटिन पाउडर ऐड कर देंगे। ये आपको ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाएगा, जेली वगैरह बनाने के काम आता है, और इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ये हलाल है। खैर, इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैंने बहुत खुशी के साथ इसको अप्लाई किया अपने होंठों पर कि ये मेरे होंठों को बिल्कुल लाल सुरख कर देगा। उतारने पर इसने मेरे होंठों को बिल्कुल भी सुरख वुरख नहीं किया, बल्कि और ज़्यादा ड्राई बना दिया। खैर, हिम्मत मैं भी नहीं हारी, मैंने एक दूसरी रेमेडी ट्राई कर ली जो कि आजकल मार्केट में काफ़ी आम है। तो भाई स्ट्रॉबेरीज से भी टिंट और कलर्स वगैरह बनाए जा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर ली 5 से 7 अदर स्ट्रॉबेरीज, और फिर उसके अंदर ऐड कर दिया 1 चम्मच भर के कोकोनट ऑयल, और इसको कर लिया अच्छे तरीके से ब्लेंड, यहाँ तक कि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैंने निकाला इसको एक बाउल के अंदर, और फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया जी 1 चम्मच चुकंदर का रस। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। कलर शेड को आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा लाइट या डार्क बना सकते हो। फिर मैंने इसको अप्लाई किया शहजादियों की तरह, लेकिन मुझे ये लगा कि इसको चिक्स पर या लिप्स पर अप्लाई करने के बजाय अगर पूरे फेस पर एज अ फेस मास्क अप्लाई कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये फेस पर ग्लो भी देगा, मॉइस्चराइजेशन भी फराहम करेगा, और साथ के साथ क्योंकि इसके अंदर जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर लिप टिंट की या चिक स्टेंस की बात करें तो उसके लिए ये फ्लॉप है। अब शुरू होती हैं बहुत ही बेहतरीन और आजमाई हुई रेमेडीज़, लेकिन सबसे पहले एक शॉर्ट सी लिप बाम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद चौथी और पांचवी जो रेमेडी है वो आपके लिप और आपके चिक्स पर स्टेन देने के लिए बहुत ही धासु किस्म की है, तो चलिए देख लेते हैं। सो ये वाली जो DIY है ये है जी लिप बाम हम घर पर किस तरह से तैयार कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग इस बारे में जानना चाहते थे कि DIY लिप बाम हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल रह सकती है। तो यह आपके होंठों के टैन को ख़त्म कर सकता है, ये आप रात को लगाकर सो सकते हैं, घर में कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, दिन के वक्त अगर आप लगाना चाहें तो यूज़ किया जा सकता है, और साथ ही साथ आपके होंठों को मॉइस्चराइज रखेगा और जो डार्कनेस आ जाती है वो भी रिमूव होने लगेगी। सो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए खाली बाउल में एलोवेरा जेल 1 चम्मच, उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी बादाम का तेल तकरीबन 1/2 चम्मच, और इन दोनों चीज़ों को कर लूँगी आपस में अच्छे तरीके से मिक्स, और लास्ट पर आप इसके अंदर चुकंदर का रस भी ऐड कर सकते हो। आपके पास कोई फूड कलर है तो वो भी ऐड किया जा सकता है, और अगर आपके पास कोई आपका पसंदीदा लिप कलर हो जो कि लिक्विड में हो, इस तरह से जैसे लिप टिंट वगैरह हम लोग मार्केट वाले यूज़ करते हैं, तो उसके भी 1 से 2 ड्रॉप्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, और इसको तैयार करके आप लोग रख सकते हो फ्रिज के अंदर मिक्स करके। जैसे कि मैं एक छोटी सी डिबिया के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ट्रांसफ़र करने के बाद इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर, 1 घंटा हम लोग वेट करेंगे, और उसके बाद मैं अपने लिप्स के ऊपर इसको अप्लाई करके दिखाऊँगी कि ये लगा हुआ किस तरह से दिखता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 घंटा हो चुका था इसको अप्लाई कर लिया है, और आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे होंठों को किस तरह से सॉफ्ट और प्लम्प दिखा रहा है। और इस लिप बाम की जो शेल्फ लाइफ है वो तो मैं बताना आप लोगों को भूल ही गई, वो है तकरीबन 15 दिन, उसके बाद आपको दोबारा से फ्रेश बनानी होगी।
हमारा जो फर्स्ट DIY है ना वो बहुत मज़े का है और बहुत ही यूनिक सा भी। सबसे पहले हम लोगों ने लेना होगा बीट रूट जूस, उसको हम कर लेंगे थोड़ा सा गरम। गरम करने के बाद एक बाउल के अंदर उसको ट्रांसफ़र करेंगे तकरीबन 2 चम्मच बड़े, और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी इसके अंदर ग्लिसरीन तकरीबन 1/2 चम्मच। उसके बाद अगर आप इसको लिक्विडी फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे थिक फॉर्म में रखना चाहें तो रोज़ वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी यहाँ पर रोज़ वाटर ऐड नहीं कर रही। और हमारा जो फोर्थ इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाने वाला है वो है जी कॉर्नफ्लोर। ये किसी भी खाने को थिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सो मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है, और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं कर लूँगी मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको एक डिबिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है तकरीबन 15 दिन। आप इसको फ्रिज के अंदर रख सकते हो। अगर आपके पास जो मार्केट से मिल जाती हैं ना बॉटल्स मिल जाती हैं छोटी छोटी बहुत ही क्यूट सी लिप टिंट की, चिक्स टिंट की, वो भी आप लोग ले सकते हो और उसके अंदर भी इसको रख सकते हो, ठीक है जी। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल ही लिक्विडी फॉर्म में बनाएंगे तब इसके अंदर रोज़ वाटर जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना होगा। सो इसको मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये कैसा बना है। ये कुछ इस तरह से हमारे पास बनकर तैयार हुआ था, और ये बहुत मज़े का था और ये बहुत ही यूनिक सा था। इसको मैं अभी भी अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे लिपस्टिक लगी हुई है। तो ये बहुत मज़े का शेड देता है। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर अप्लाई करके वैसे भी वीडियो के अंदर भी आप लोगों को दिखा सकती हूँ कि मेरे मेकअप के ऊपर भी मैं इसको अप्लाई किया जा सकता है। ये बहुत ही नेचुरल सा शेड आपको प्रोवाइड करेगा और मुझे ये बहुत पसंद भी आया था, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं अपने DIY नंबर 5 की तरफ। हमारा जो फाइनल और लास्ट DIY मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही मज़े का है। और इससे पहले क्या अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा या नहीं किया? अगर नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। अपने प्यारों के साथ इसे शेयर भी किया जा सकता है। जो मेरी बहनें पूछती रहती हैं ना कि लिप कलर बता दें, कोई लिप टिंट बता दें, वो घर पर किस तरह से तैयार किया जा सकता है, क्योंकि हम मार्केट वाले लिप कलर और लिपस्टिक्स वगैरह यूज़ करने से थोड़ा अवॉइड करती हैं। हर किसी की अपनी चॉइस होती है ना, सो उनके साथ भी इसे शेयर कर दीजिए और नीचे प्यार भरा कोई कमेंट्स भी छोड़ दीजिए। और अगर अभी तक नहीं छोड़ा तो छोड़ो भाई, मैदान में मैदान खुला है। सो आप लोगों ने क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले हम लोग लेंगे एक खाली बाउल और उसके अंदर ऐड करेंगे एलोवेरा जेल, जो कि मेरे पास ख़त्म हुआ पड़े और बड़ी मुश्किल से निकला है। इसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी जो है ना फूड कलर वो आप लोग ऐड कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप अपने लिप कलर को या अपने चिक स्टेन को अगर ऑरेंज कलर देना चाहें, पिंक कलर देना चाहें, रेड कलर देना चाहें, या चॉकलेट कलर देना चाहें, या जो भी कलर देना चाहें, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पर फूड कलर जो है वो यूज़ कर रही हूँ रेड वाला, और ये सिर्फ 2 कतरे ही यूज़ करूँगी, इतने ही इनफ हैं। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर फूड कलर्स के। फूड कलर के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारी स्किन को डैमेज करेगा या ख़राब करेगा, तो ये थोड़ा सा बिल्कुल यूज़ हो रहा है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि अगर ये इतना ही हार्मफुल हो तो फिर हम अपने खानों में इसको क्यों यूज़ करें, पॉइंट तो है ना। सो आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप कॉस्मेटिक्स ग्रेड में जो कलर्स मिल जाते हैं वो आपके पास अवेलेबल हो तो आप लोग वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल आसान और बेसिक सी चीज़ बतानी होती है ताकि आपको लेने में दिक्कत ना हो, वरना आपके पास जो भी चीज़ हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट करते रहा करें, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही ना, है सही है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर हमारा जो थर्ड इन्ग्रीडियंट है वो है जी बादाम का तेल 1/2 चम्मच। और अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली रहती है तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लें मिक्स। अच्छा, ये वाला जो टिंट है ना ये हमारे पास तैयार हो चुका है, लेकिन ये बिल्कुल ही लिक्विडी सा है इसलिए मैं इसको उल्टा पुल्टा नहीं सकती, वरना यहाँ पर सारा मैसी हो जाएगा। और मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप इसको बॉटल के अंदर ही ट्रांसफ़र करें, और मैं थक गई थी क्योंकि मेरे पास डिबियाँ पड़ी हुई थी तो फिर मैंने इसके अंदर ही ट्रांसफ़र कर दिया। अगर आपके पास बॉटल अवेलेबल हो इजीली तो आप उसके अंदर ज़रूर इसे ट्रांसफ़र कीजिएगा। सो अब आप लोगों ने क्या करना है कि मैं इसको अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देती हूँ और ये बताती हूँ कि कौन सा लिप कलर और कौन सा चिक स्टेन सबसे बेहतरीन था, ठीक है जी। बने रहो वीडियो पर, अभी जाना नहीं। और 2-3 छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये हो या मार्केट वाला हो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।
अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सबसे पहले टिंट की, जो कि मैंने सिर्फ लिप्स के ऊपर अप्लाई किया था, जो कि मैंने बनाया था बीट रूट से और जेलेटिन से। सो भाई ये वाला जो है ना, ये मैंने अप्लाई करके 10 से 15 मिनट तक छोड़े रखा। अब जब मैंने आप लोगों के सामने ही इसको रिमूव किया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे होंठों पर किसी किस्म का भी कोई कलर, कोई शेड, यहाँ पर कोई टिंट नज़र आ ही नहीं रहा। तो मीन्स के ये वाला जो टिंट है, ये बिल्कुल ही वेस्टेज है। अगर आप कहीं पर कोई वीडियो देखते हैं, कुछ कोई आपको कहता है और आप इसे घर पर तैयार करते हैं, तो इसको तैयार करने का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सो आप इसे ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने ट्राई कर लिया ना, मैं बैठी हूँ ना आप लोगों के लिए, आपको खपने की क्या ज़रूरत है प्यारे। सो जो हमारा जो दूसरा टिंट था ना, वो मैंने तैयार किया था स्ट्रॉबेरी के साथ। स्ट्रॉबेरी वैसे जो होती है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, और जो बाकी चीज़ें डाली हैं वो भी बहुत अच्छी थी उसके अंदर। सो आप उसे ट्राई करना चाहें तो पूरे फेस पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे चिक्स पर और अपने लिप्स पर ट्राई करना चाहें, तो सिर्फ वो आपको मॉइस्चराइजिंग ही फराहम करेगी, इतना ज़्यादा टिंट वगैरह प्रोमिनेंट नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो ये भी लिप कलर या चिक्स टेन के लिए मुझे इतना ज़्यादा कोई आउट क्लास नहीं लगा, बस सो ही है। हमारी जो थर्ड रेमेडी थी, उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप घर पर DIY लिप बाम किस तरह से तैयार कर सकते हो। वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, आउट क्लास है, आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके रिजल्ट से भी फ़ायदा उठाइएगा, और वापस आकर फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा जो फोर्थ टिंट है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे बनाकर आप लोग स्टोर भी कर सकते हो। इसके रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं, जैसे कि मैं अप्लाई कर रही हूँ, मेरे फेस पर इस वक्त बिल्कुल भी कोई भी फाउंडेशन, कोई भी मेकअप, कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है, जो भी था सब कुछ आप लोगों के सामने ही है। नंबर 5 पर जो हम लोगों ने फूड कलर के साथ लिप टिंट तैयार किया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मुझे बहुत ज़्यादा सब में से ही यही वाला लिप कलर जो है ना, वो पसंद आया है पर्सनली, क्योंकि इसका स्टेन जो है ना, वो बहुत आउट क्लास है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे चिक्स पर और मेरे लिप्स पर बहुत ही अच्छा सा इसने स्टेन छोड़ा है। लेकिन जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, जैसे कि मेरी स्किन, तो वो वाला जो है ना, वो फूड कलर कभी भी ट्राई ना करें। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा और अपने पल्लू के साथ इसे बांध भी लीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि जो फूड कलर होते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया जाता है, और नमक जो होता है ना, वो हमारी स्किन को और ज़्यादा ड्राई बना देता है। सो अगर वो ज़्यादा देर तक हमारे लिप्स पर या हमारे चिक्स पर रहेगा, तो वो हमारे स्किन को जो है ना, वो ज़्यादा ड्राई आउट कर सकता है। सो जिन लोगों की स्किन थोड़ी सी ऑयली रहती है या ज़्यादा ऑयल निकलता रहता है, तो वो लोग इसको फूड कलर के साथ बनाकर ट्राई कर सकते हो। और जो फोर्थ नंबर पर बताया है, वो आप लोग ड्राई स्किन वाले भी ट्राई कर सकते हैं, उसे ऑयली स्किन वाले भी ट्राई कर सकते हैं, उसे सेंसिटिव स्किन वाले भी ट्राई कर सकते हैं, और उसे कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी ट्राई कर सकते हैं। तो इट मींस मुझे जो फोर्थ नंबर पर था DIY टिंट, लिप टिंट, वो सबसे बेहतरीन लगा है। आप लोग उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नंबर 5 वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा स्टेन छोड़ रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा हमारी स्किन को ड्राई कर रहा है, क्योंकि मैं इसको बनाकर 4 से 5 दिन हो गए, मेरी वीडियोस नहीं आई ना, तो मैं इन चीज़ों को बनाकर एक्सपेरिमेंट कर रही थी अपने ऊपर, बार बार किसी एक को लगाती थी, कभी एक चीक पर एक, कभी दूसरे चीक पर दूसरा, और जो है ना, वो इस तरह से मुझे पता चल गया कि किसमें क्या प्रॉब्लम है और किसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है। सो आप लोग इसे 4th नंबर वाला बना सकते हो, सभी बना सकते हो, और अगर 5th नंबर वाला बनाना चाहें तो वो ऑयली स्किन वाले बना सकते हैं। बाकी जो है ना, अगर आप मार्केट जाते हैं और आप लिप टिंट या चिक्स टेन वगैरह लेते हैं, तो उसे ज़रूर ट्राई कर लीजिए, अपने होंठों पर लगाइए, उसका जो टेस्ट आपके मुंह के अंदर जाएगा ना, वो थोड़ा सा नमक वाला और थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा होगा। अगर वो कड़वा कड़वा सा आपको लगे, तो समझ लीजिएगा कि उसके अंदर फूड कलर ऐड किया गया है, और अगर आपको कड़वा कड़वा फील ना हो, तो समझ लीजिएगा कि इसके अंदर बीट रूट जूस जो है ना, वो ऐड किया गया है। इसकी जो दूसरी पहचान है वो ये है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है, मैं उन लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग ये कर सकते हो कि जो चुकंदर जूस होता है ना, वो बहुत जल्दी ही ब्लेंड हो जाता है, जबकि जो कलर फूड कलर होते हैं, वो इतनी ज़्यादा जल्दी ब्लेंड नहीं होते। कोई कॉस्मेटिक ग्रेड वाले फूड कलर भी ऐड कर देते हैं, और कोई खाने वाले फूड कलर भी ऐड कर दिए जाते हैं। खाने वाले फूड कलर क्या होते हैं, फूड कलर भी ऐड कर दिए जाते हैं, जो कि इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इन चीज़ों से आप लोग बच सकते हो। दूसरी चीज़ यह है कि जब भी मार्केट वाला कोई लिप टिंट, चिक टिंट लें या घर वाला कोई लें, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि सबसे पहले हल्का सा कोई भी मॉइस्चराइज़र अपने चिक्स पर और अपने होंठों पर हल्का सा अप्लाई किया कीजिए, और उसके बाद ही उसको लगाया कीजिए, ख़ासकर गालों पर। इससे ये होगा कि कोई भी किसी किस्म की हार्श लाइन जो होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, और आपका जो टिंट है ना, वो स्मूथली, बिल्कुल इवनली और बड़ा ही खूबसूरत सा अप्लाई हो जाएगा। सो ये कुछ टिप्स थी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, जो कि मैंने खींच खींच के बहुत ही लंबी कर दी है। बोलती मैं बहुत हूँ, लेकिन काम की बातें बताती हूँ आप लोगों को। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।